इस स्टूडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 11.2 का प्रश्न नंबर 10 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 10 में हमें इस पंचभुज के आकार का एक बगीचा दिया है। अब इस बगीचे का क्षेत्रफल निकालने के लिए ज्योति ने एक अलग विधि का प्रयोग किया है और कविता ने एक अलग विधि का प्रयोग किया है। हमें इन दोनों ही विधियों से इस बगीचे का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले हम ज्योति वाले विधि की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ज्योति की विधि से क्षेत्रफल। तो इस तरह से हमने ये लिख लिया। अब देखिए, हम ज्योति वाले विधि से इस बगीचे का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। इसके लिए देखिए, ज्योति ने क्या किया है कि इस पंचभुज के आकार का जो बगीचा है इसको दो हिस्सों में बांट दिया, ये लाइन खींच करके। अब देखिए, जो ये दो हिस्से हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों समलंब के आकार के हैं। क्योंकि देखिए, समलंब में हमारा क्या होता है, दो भुजाएं समांतर होती हैं। तो इसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर है, इसलिए ये हमारा एक समलंब बन गया। इसी तरह से ये वाला जो दूसरा हिस्सा है ये भी समलंब है, क्योंकि इसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये पंचभुज के आकार का बगीचा है, इसके बीच में से ये लाइन खींचने पर ये दो बराबर समलंब के आकार के हिस्सों में बट गया। तो हम क्या करेंगे कि इस पंचभुज के आकार के बगीचे का क्षेत्रफल निकालने के लिए दो समलंब का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारा जो ज्योति की विधि से क्षेत्रफल है वो कैसे निकलेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे कि समलंब का क्षेत्रफल लगाएंगे। तो देखिए, ये हो गया समलंब का क्षेत्रफल। अब इसमें हमारा कितने समलंब है, दो समलंब है, तो इसलिए हम इसमें दो से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है हमारा, ये होता है 1/2 ए प्लस बी गुणा एच, और ये गुणा में दो है तो इसको उतार दिया। अब यहाँ पर देखिए, हम इसमें सबका मान रख देंगे। सबसे पहले 1/2 है, फिर a प्लस बी है। अब देखिए, इसमें a और b क्या होगा, सबसे पहले हम इस वाले समलंब की बात करते हैं। तो इसमें a और b क्या होता है हमारा, एक समलंब में जो उसकी दोनों समांतर भुजाएं होती हैं वही हमारी a और b होती हैं। तो देखिए, इसमें कौन कौन सी समांतर भुजाएं होंगी, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो ये कितने मीटर का है, यहाँ पर देखिए, ये हमारा 15 मीटर का है। तो ये अगर 15 का है तो ये भी 15 का होगा, क्योंकि यही वाला जो पंचभुज है यही ये दोनों है, यानी कि ये तीनों सेम है, एक ही है। तो इसीलिए अगर ये 15 का है तो ये वाला भी 15 का होगा। और देखिए, ये वाला जो है ये कितने का होगा, देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें ये दी गई है 30 मीटर। तो ये अगर पूरा हमारा 30 मीटर है तो ये वाला भी 30 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा 30 हो गया। तो हमें ये दोनों पता चल गया। अब इन दोनों में से किसी को भी आप A और किसी को B मान सकते हैं। तो इसमें हम इस वाली भुजा को A मान लेते हैं। तो A हमारा कितना है, 15। तो A की जगह पर लिखेंगे 15, प्लस में B है और B हमारा, इसको मान लेंगे तो ये कितना है, 30। तो ये हो गया। फिर इसके बाद गुणा में h है। h क्या होता है हमारा, ऊंचाई यानी हाइट। तो देखिए, इस वाले समलंब में हाइट क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हाइट है। ठीक है, तो ये कितने का होगा, देखिए यहाँ पर हमें ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर दिया गया है, और ये क्या है हमारा, आधा है इस पूरे का, यानी यहाँ से यहाँ तक का ये जो है ये आधा है, क्योंकि ये जो रेखा है ये इस पंचभुज के बिल्कुल बीच से खींची गई है, इसलिए ये जो भुजा है इसको ये वाली रेखा दो बराबर हिस्सों में बांटेगी। तो ये पूरा 15 का है, तो ये कितने का हो जाएगा, 15 का आधा। तो 15 का आधा कितना होगा, ये हम कैसे लिखेंगे, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 15/2, क्योंकि अगर आप 2 से भाग करेंगे तो आपको 15 का आधा मिल जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर 15/2 लिखा, इसका मतलब ये 15 का आधा है। अब इसके बाद गुणा में कितना है, 2, तो ये हमने उतार दिया। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये 2 से 2 कट जाएगा हमारा। अब यहाँ पर आगे कर लेते हैं 1/2, और यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का चिन्ह आएगा, और ये 15 और 30 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 45, और गुणा में यहाँ पर क्या बचा, 15।
अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या होगा 45 और 15 का गुणा होगा। तो जब आप 45 और 15 का गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका आंसर 675, और फिर एक से गुणा कर देंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है, बटे में कितना है 2। अब यहाँ क्या करना है आपको, 2 से 675 को भाग करना है। तो जब आप 2 से 675 को भाग करोगे तो आपका आंसर आएगा 337.5, और ये पूरा हमें मीटर में दिया है इसलिए ये भी मीटर हो जाएगा और स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा जो ज्योति है उसकी विधि से इस बगीचे का क्षेत्रफल 337.5 मीटर स्क्वायर। तो ये हमने निकाल लिया ज्योति के विधि से। अब निकालेंगे हम इस कविता के विधि से इस बगीचे का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे कविता के विधि से क्षेत्रफल। तो देखिए कविता की विधि से हम कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे। कविता ने क्या किया है कि जो ये पंचभुज है इसको उसने दो हिस्सों में बांटा, कैसे, यहां से उसने लाइन खींच दिया इस तरह से। अब देखिए जब इस पंचभुज को यहां से लाइन खींचा गया तो ये दो हिस्सों में बट गया, एक तो हमारा ये नीचे वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये नीचे वाला हिस्सा है ये एक वर्ग में बट गया है, यानी कि ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये एक वर्ग है और ऊपर वाला ये क्या है, एक त्रिभुज है। तो हम क्या करेंगे कि कविता की विधि से इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए कविता की विधि से क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, सबसे पहले इसमें हमारा वर्ग का क्षेत्रफल निकलेगा और इसमें हम जोड़ देंगे क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। तो देखिए इस वाले वर्ग में भुजा क्या है, ये चारों आप देख सकते हैं ये भुजा है। तो देखिए इसकी एक भुजा कितनी दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 मीटर। तो ये सारी 15 की होंगी, ये भी हमारा 15 का ही होगा, क्योंकि देखिए ये 15 का है तो इसके सामने वाला ये 15 का ही होगा, इसलिए इस वर्ग की चारों भुजाएं 15-15 की है। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा होता है, यानी कि ये हो जाएगा 15 गुना 15, क्योंकि ये भुजा है इसलिए। फिर प्लस है तो प्लस, और त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है हमारा 1/2 गुणा में आधार गुणा ऊंचाई। तो देखिए ये जो त्रिभुज है इसका आधार क्या होगा, यही होगा, तो ये हमारा कितना है 15 मीटर है, इसलिए आधार तो 15 हो गया गुणा में ऊंचाई होता है, तो ऊंचाई क्या होगा इसका, देखिए ऊंचाई हमारा ये हो जाएगा, है ना। तो ये कितने का होगा, यानी कितने मीटर का होगा, ये देखिए यहाँ पर जो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा हमें 30 मीटर दिया गया है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 मीटर का है। तो इसमें से हमें सिर्फ इतने की दूरी निकालनी है, तो ये कैसे निकालेंगे, ये पूरा जो 30 मीटर है इसमें से हम इतना घटा देंगे, यानी कि जो ये इतना है दूरी ये हम घटा देंगे। तो ये कितने मीटर का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वर्ग की भुजा 15 मीटर की थी, तो ये 15 हम घटा देंगे, यानी कि इस पूरे 30 में से ये 15 घट गया तो क्या बचेगा, 15 ही बचेगा, यानी कि ये वाला जो ऊंचाई है इस त्रिभुज का वो 15 आ गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऊंचाई की जगह पर 15। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ 15 का 15 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 225, फिर इसके बाद ये प्लस है तो प्लस आ गया, और इस 15 का 15 से गुणा करेंगे तो 225 आएगा, और 225 का 1 से गुणा करेंगे तो 225 ही आएगा, बटे में कितना है 2। अब 2 से 225 को भाग कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये 2 × 2, ये 2 × 2, ये 2 × 2, और ये हमारा 2 × 4, और पॉइंट के बाद 2 × 5 = 10, यानी कि जब आप 2 से इस 225 में भाग करोगे तो आपका ये आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 225 प्लस में 112.5 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 337.5 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा कविता की विधि से इस बगीचे का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ज्योति की विधि से और कविता की विधि से क्षेत्रफल निकाला तो दोनों का ही सेम आया है। सेम क्यों आया है, क्योंकि ये क्या है, दोनों एक ही बगीचा है। एक ही बगीचे का क्षेत्रफल निकालने के लिए ज्योति ने और कविता ने अलग अलग विधि का प्रयोग किया है। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 10 का सोल्यूशन कम्प्लीट हुआ।